दोस्तों अनुपमा में आ गया है मालविका के जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा तूफान। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर हल्दी की रस्म होती है और सभी के सभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और अनुपमा को हल्दी लगाते हैं। तो वहीं पर देखने को मिलता है कि अनुज ने एक ट्रांसजेंडर से वादा किया था कि अगर उन दोनों की शादी फिक्स हो जाती है तो उन्हें ज़रूर बुलाएगा, और अनुज और अमन उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वो आते हैं, अनुपमा और अनुज को यहाँ पर वादा निभाते नजर आते हैं, उनकी नज़र उतारते हैं। साथ में अनुपमा कहती है, हाँ दोस्तों का तो आना ज़रूरी था ना, और दोस्तों को तोहफा तो देना बनता है, और वो उनको मिठाइयाँ और सब कपड़े वगैरह पैसे वगैरह दे रहे होते हैं, लेकिन वो उससे मना कर देते हैं और कहते हैं कि दोस्तों की शादी में तो तोहफे लाए जाते हैं, लिए नहीं जाते। यहाँ पर बापूजी, यहाँ पर देखने वाले सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, लेकिन अनुपमा की माँ ताना देते नजर आती है वनराज को, और यहाँ पर बा को कि उन लोगों ने बिना रिश्ते भी कितना बड़ा रिश्ता निभा दिया, लेकिन कुछ लोगों ने 27 साल का वो भी मान नहीं रखा। वही बा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। अनु सबके सामने इन तीनों बच्चों को बड़ी कह के बुलाता है कि मैं तुम्हारा बड़ी रहूंगा, तुम्हारी माँ का हस्बैंड जरूर बन जाऊंगा, और वनराज को तसल्ली हो जाती है। वहीं देखने को मिलता है कि अनुपमा को पता चल जाता है इसके बारे में, और अनुपमा फिर से थैंक यू कहती है सभी लोगों का भी, सब दोनों मिलकर धन्यवाद करते हैं। वहीं बा गुस्से में होती है और हल्दी वाला दूध बना रही होती है, उनके हाथ से हल्दी अनुपमा को लग जाती है और अनुपमा इमोशनल हो जाती है और उन्हें गले लगा कर कहती है कि उनके आशीर्वाद का उसे इंतजार रहेगा, लेकिन बा मुँह फुला कर रहती है। वहीं पर किंजल और पाकी दोनों ही अनुपमा की शादी की तैयारियों में जुड़ जाते हैं और उन्हें तैयार करने के लिए ये जोड़ा वोड़ा सब कुछ कह रहे होते हैं। तो तभी यहाँ पर देखने को मिलता है कि बच्चा लात मारता है और किंजल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, और तीनों ही काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं कि अनुपमा यहाँ से चली जाएगी, लेकिन किंजल उन्हें ये कहती है कि पहली बार बेबी मुझे आपके हाथों में ही चाहिए, और थोड़ा सा भी वक्त होता मुझे मेरे लिए ज़रूर निकालना। वही सुबह सुबह ही यहाँ पर शादी की तैयारियाँ शुरू होगी, जहाँ पर अनुपमा बच्चों के साथ समय बिताते नजर आएंगी, और यहाँ पर वनराज यहाँ पर काव्या को काफ़ी कुछ देकर वनराज उसे कहता है कि तुम अपनी स्वतंत्र की शादी में इतना कुछ कैसे सोचती हो, कहती मेरी वजह मेरे पास तो कोई वजह नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये बात कहना चाहूंगी बच्चों के लिए सबके लिए सही, अनुपमा हमारी कभी दुश्मन नहीं रही थी, हमने ही उसको धोखा दिया, हमने हमें उसके दुश्मन बन गए, और उसके बाद में उसे खुश रहने के लिए और उसे खुशियाँ मिलनी ही चाहिए। और काव्या और अनुपमा की तरफ पर तरफ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो गई, और वनराज को भी खुश रहने के लिए और खुश रहने देने के लिए कहते नजर आती हैं। वहीं पर देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पर सभी लोग मालविका को ढूंढते नजर आएंगे, लेकिन मालविका यहाँ पर रोते हुए अनुज के पास पहुँचेगी और कहेगी मुझे US जाना पड़ेगा, और वो रीज़न होगा उसका बच्चा। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलेगा उसकी एक बेबी भी है, और वही इस शो में देखने को मिलने वाला है। उस बेबी के लिए उसे भागकर अब उसके पास जाना पड़ेगा US पे, जिसने कि उस बच्ची को छीन लिया था उसके हस्बैंड ने। अब देखना होगा अनुपमा कैसे अब अपनी उसकी बच्ची को मालविका से मिलवाती है।